प्रिय विद्यार्थियों और मेरे साथियों, आपका दिन शुभ रहे। पहले वाले वीडियो में ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम लंग टू टिश्यू सेल पढ़ा था और आज वाले वीडियो में ट्रांसपोर्टेशन ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेज बाय ब्लड में CO2 का ट्रांसपोर्टेशन यानी कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन पढ़ेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड उपापचय क्रियाओं के फलस्वरूप प्रत्येक कोशिका में यानी भोज्य पदार्थों के ऑक्सीकरण के फलस्वरूप CO2 का निर्माण होता है जो कि टॉक्सिक होती है बॉडी के लिए, इसलिए शरीर से बाहर निकलनी आवश्यक है। CO2 को ब्लड में पाए जाने वाला रेस्पिरेटरी या ब्लड पिगमेंट हीमोग्लोबिन जो होगा वो बाइंड अप करेगा और प्रत्येक टिश्यू सेल से वाया ब्लड ये लंग्स के पास आएगी और लंग्स यानी के अंदर एल्वेलर सैक्स होते हैं उनके चारों तरफ पाए जाने वाली जो ब्लड कैपिलरीज के अंदर लाकर के ब्लड के अंदर डिफ्यूजन द्वारा छोड़ दी जाएगी। द रेस्पिरेटरी गैसेज फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड are transported by blood by several different methods. The blood pigments play a major role in the transportation. Blood pigments जिलीगा है, mostly vertebrates के अंदर तो hemoglobin होता है लेकिन बाकी के और भी pigments होते हैं। ये oxygen और carbon dioxide के परिवहन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। ऑक्सीजन इज कैरिड बाय ब्लड फ्रॉम द लंग टू टिश्यूज। ऑक्सीजन को हीमोग्लोबिन या ब्लड जो है वो फेफड़ों से उत्को तक लाता है और CO2 को टिश्यू टू लंग लाता है और यही अपन टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, CO2 फ्रॉम टिश्यूज टू लंग्स। उत्तक कोशिकाओं से फेफड़ों के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का रुधिर द्वारा परिवहन, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ CO2 बाय ब्लड। ड्यूरिंग मेटाबॉलिक एक्टिविटीज इन ईच सेल्स ऑफ बॉडी, प्रत्येक कोशिकाओं के अंदर जो उपापचय क्रियाएं चलती हैं उसके फलस्वरूप CO2 इज प्रोड्यूस्ड, जिसके कारण से CO2 का उत्पादन होता है या उत्पादित होती है, विच डिफ्यूजेज इनटू द ब्लड, जो ब्लड में विसरित हो जाती है, एंड देन ट्रांसपोर्टेड इन द फॉलोइंग 3 फॉर्म्स। तीन रूपों के अंदर इनका परिवहन होता है। ये तीन रूप हैं, महत्वपूर्ण है टॉपिक, एज फिजिकल सॉल्यूशंस भौतिक विलयन के रूप में, 10% भौतिक विलयन के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन होगा, कुछ ऑथर्स के मुताबिक 7% का होता है, और एज दूसरा है कार्बामिनो कंपाउंड्स के रूप में 20% होगा, रिमेनिंग 70% कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन फ्रॉम टिश्यू टू लंग वाया ब्लड बाइकार्बोनेट्स के रूप में होगा। पहला पढ़ रहे हैं एज फिजिकल सॉल्यूशंस। फर्स्ट, अबाउट 10% ऑफ CO2 डिजॉल्व्ड इन वाटर इन ब्लड प्लाज्मा के अंदर हो रहा है, ये RBC के अंदर क्रिया संपन्न नहीं हो रही है। उपापचय क्रियाओं के फलस्वरूप बनने वाली जो CO2 है उसका 10% भाग जो है वो पानी में डिजॉल्व यानी घुल जाता है और H2CO3 या कार्बोनिक एसिड का निर्माण कर लेता है। CO2 प्लस H2O इज रिवर्सिबल रिएक्शन द्वारा H2CO3 का निर्माण कर लेता है कार्बोनिक एसिड, और
अगर कार्बोनिक एसिड भी टॉक्सिक होता है, कार्बोनिक एसिड की कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाएगी, तो इंक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ H2O3 कॉजेज द डिसोसिएशन इनटू हाइड्रोजन आयन एंड बाइकार्बोनेट आयन। अगर कंसंट्रेशन H2CO3 यानी कार्बोनिक एसिड की अत्यधिक हो जाती है, तो ये हाइड्रोजन आयन और बाइकार्बोनेट आयन में अपने आप टूट जाता है। H2CO3 रिवर्सिबल रिएक्शन द्वारा हाइड्रोजन आयन और बाइकार्बोनेट आयन में यहाँ टूट रहा है। सेकंड पढ़ेंगे, एज कार्बामिनो कंपाउंड्स, बट दिस रिएक्शन इज टेक्स प्लेस इन RBC रेड ब्लड कॉर्पसल्स के अंदर, ये क्रिया संपन्न होगी कार्बामिनो कंपाउंड्स के द्वारा। अबाउट लगभग 20% टोटल कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो कार्बामिनो कंपाउंड्स के रूप में ट्रांसपोर्ट होगी फ्रॉम टिश्यू टू द लंग। अबाउट 20% ऑफ टोटल ब्लड CO2 इज ट्रांसपोर्टेड इन कॉम्बिनेशन विद हीमोग्लोबिन एज कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। यानी यहाँ कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में HBNHCOOH, इसके दो नाम हैं, कार्बामिनो हीमोग्लोबिन भी है, कार्ब एमिनो हीमोग्लोबिन या कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। CO2 HBNH2 के साथ में जुड़ती है। NH2 जो होता है ये हीमोग्लोबिन का एक फ्री ग्रुप होता है। एमिनो हीमोग्लोबिन भी अपन इसको संज्ञा दे सकते हैं। तो CO2 जो है वो HB के साथ में जो NH2 जुड़ा हुआ है उसके साथ में उत्क्रमणीय अभिक्रिया या रिवर्सिबल रिएक्शन द्वारा SBNHCOOH का निर्माण कर लेता है, जिसको कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन या कार्ब एमिनो हीमोग्लोबिन बोलते हैं, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी है और एमिनो ग्रुप भी है। हियर NH2 इज फ्री एमिनो ग्रुप ऑफ हीमोग्लोबिन। ये NH2 जो है ये हीमोग्लोबिन का एक स्वतंत्र ग्रुप है, हीमोग्लोबिन का साथ में NH2 जुड़ा हुआ है। थर्ड वन इज एज बाइकार्बोनेट, यानी कार्बन डाइऑक्साइड का उपापचय क्रियाओं के फलस्वरूप बनने वाला मैक्सिमम 70% पार्ट जो है, अबाउट 70% वो कार्बोनेट्स के रूप में ब्लड जो है वो टिश्यू सेल से लेकर के और फेफड़ों तक लाने का कार्य करता है। और कार्बोनेट्स के अंदर दो प्रकार के कार्बोनेट्स होंगे, सोडियम बाइकार्बोनेट एंड पोटेशियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट ब्लड प्लाज्मा में और ब्लड प्लाज्मा के द्वारा CO2 को लाएगा, और पोटेशियम बाइकार्बोनेट के रूप में ये RBC के अंदर क्रिया संपन्न होती है। एज अबाउट 70% ऑफ CO2, लगभग 70% भाग या 70% भाग CO2 का है, प्रोड्यूस्ड बाय मेटाबॉलिज्म इज कैरिड बाय बाइकार्बोनेट्स इन द ब्लड, जो उपापचय के फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड बनती हैं उसमें से 70% कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बाइकार्बोनेट्स के रूप में ट्रांसपोर्ट होती है। इट फॉर्म्स KHCO3 इन इरिथ्रोसाइट्स, यानी ये पोटेशियम बाइकार्बोनेट तो बनाता है RBC के अंदर या इरिथ्रोसाइट्स के अंदर, और सोडियम बाइकार्बोनेट जो होगा वो सदैव ब्लड प्लाज्मा में बनेगा। पहला ले रहे हैं पोटेशियम बाइकार्बोनेट। CO2 फ्रॉम प्लाज्मा एंटर्स इन RBC या इरिथ्रोसाइट्स। कार्बन डाइऑक्साइड जो उपापचय क्रियाओं के फलस्वरूप जो बनी है वो प्लाज्मा से रेड ब्लड कॉर्पसल्स या इरिथ्रोसाइट्स के अंदर प्रवेश कर जाती है और पानी के साथ जुड़ करके H2CO3 का निर्माण कर लेगी। लेकिन यहाँ एक एंजाइम की आवश्यकता होगी, इन द प्रेजेंस ऑफ एन एंजाइम दैट इज कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम। और H2CO3 की अगर कंसंट्रेशन, आपको पहले ही बता दिया कि अगर थोड़ी सी भी ज़्यादा हो जाती है तो ये अप इट्सेल्फ डिसोसिएट यानी
खुद वियोजित हो जाता है हाइड्रोजन आयन और बाइकार्बोनेट आयन्स में। तो CO2 प्लस H2O रिवर्सिबल रिएक्शन द्वारा C डॉट A डॉट लिखा हुआ है, इसका मतलब है कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम H2CO3 का निर्माण कर लेगी। H2CO3 की कंसंट्रेशन ज़्यादा होते ही रिवर्सिबल रिएक्शन द्वारा ये हाइड्रोजन आयन और बाइकार्बोनेट आयन में टूट जाता है। इरिथ्रोसाइट्स Sb रिमेन कंबाइंड विथ पोटेशियम एज पोटेशियम हीमोग्लोबिनेट। इरिथ्रोसाइट्स के अंदर जो हीमोग्लोबिन पाया जाता है वो सदैव पोटेशियम के साथ में जुड़ा हुआ होता है। तो ये क्या कह रहा है, एच बी रिमेन कंबाइंड विथ पोटेशियम एज पोटेशियम हीमोग्लोबिनेट। अगर देखिए नीचे रिएक्शन में देखिए, हीमोग्लोबिन पोटेशियम के साथ में जुड़ा हुआ होता है तो इसका नाम होता है पोटेशियम हीमोग्लोबिनेट। पोटेशियम हीमोग्लोबिनेट रिएक्ट्स विद बाइकार्बोनेट आयन्स, कौन से, हाइड्रोजन आयन एंड बाइकार्बोनेट आयन, और फॉर्म पोटेशियम बाइकार्बोनेट। एच हाइड्रोजन आयन प्लस बाइकार्बोनेट आयन प्लस पोटेशियम हीमोग्लोबिनेट इरिवर्सिबल रिएक्शन द्वारा उत्क्रमणीय अभिक्रिया के द्वारा ये पोटेशियम बाइकार्बोनेट का निर्माण कर लेता है और साथ में बच गया अपने पास एच एच बी की एच सी ओ थ्री, तो ये बन गया एच एच बी यानी हीमोग्लोबिन के साथ में हाइड्रोजन आयन जुड़ रहे हैं इसलिए इसका नाम पड़ गया एच डॉट एच बी का मतलब है हीमोग्लोबिनिक एसिड। ये तो है पोटेशियम बाइकार्बोनेट के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन। एज सोडियम बाइकार्बोनेट ये रिएक्शन यानी सोडियम बाइकार्बोनेट सदैव ब्लड प्लाज्मा में बनता है। इन प्लाज्मा या ब्लड प्लाज्मा CO2 इज कन्वर्टेड इन NaHCO3 यानी कार्बन डाइऑक्साइड जो उपापचयी क्रियाओं के फलस्वरूप या मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के दौरान जो CO2 बनी वो ब्लड प्लाज्मा में NaHCO3 में बदल जाती है और RBC या रेड ब्लड कॉर्पसल से एरिथ्रोसाइट्स में ये पोटेशियम बाइकार्बोनेट में बदल जाती है। इन ब्लड प्लाज्मा या प्लाज्मा CO2 इज कन्वर्टेड इन सोडियम NaHCO3 इन द फॉलोइंग मैनर्स। तीन मैनर्स होंगे, तीन तरीके होंगे, तीन विधियां होंगी जिसके द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो शरीर से बाहर फेफड़ों से होकर के बाहर एक्सपायरेशन द्वारा निकलती है। बाई एल्केलाइन फॉस्फेट, एल्केलाइन फॉस्फेट के द्वारा। दूसरा है बाई प्लाज्मा प्रोटीन्स। तीसरा आएगा एक विशेष और इम्पोर्टेंट फिनोमेना, हैमबर्गर फिनोमेना या क्लोराइड शिफ्ट बोलते हैं। इम्पोर्टेंट है, शॉर्ट नोट आता है क्लोराइड शिफ्ट पे और सभी प्रकार की कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। बाई एल्केलाइन फॉस्फेट लेते हैं। एल्केलाइन फॉस्फेट्स जैसे डाइसोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट Na2HPO4 यानी सोडियम डबल है, इसका मतलब सोडियम के दो एटम्स हैं इसलिए यहाँ डाइसोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट कहते हैं। प्रेजेंट इन ब्लड प्लाज्मा कंबाइंड विथ H2CO3 कार्बनिक एसिड के साथ में जुड़ती है H2CO3 और क्या बना लेती है, सोडियम बाइकार्बोनेट, और दूसरा बनता है NaH2PO4 यानी सोडियम डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट। पहले तो था डाइसोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट कार्बनिक एसिड के साथ में इरिवर्सिबल रिएक्शन द्वारा क्रिया करता है, तो ये सोडियम बाइकार्बोनेट और डाइसोडियम नहीं डाइहाइड्रोजन, हाइड्रोजन के टू एटम्स हैं इसलिए डाइहाइड्रोजन नाम आ रहा है, सोडियम डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट। ये एल्केलाइन फॉस्फेट के द्वारा सोडियम बाइकार्बोनेट का निर्माण होता है। दूसरा बाई प्लाज्मा प्रोटीन्स। प्लाज्मा के अंदर जो प्रोटीन्स पाई जाती हैं वो सोडियम के साथ में जुड़ी हुई होती है।
सोडियम के साथ में जुड़ी हुई होती है, जैसे Na.Pr लिखा है तो सोडियम प्रोटीनेट हो गया ये, और ये रिएक्शन करेगा H2CO3 के साथ में। H2CO3 कैसे बना? पानी यानी वाटर प्लस CO2 दोनों के आपस में कॉम्बिनेशन से, एंड फॉर्म बाइकार्बोनेट्स एज गिवन बिलो। जैसे सोडियम प्रोटीनेट है Na.Pr H2CO3 के साथ में क्रिया कर रही है, और इरिवर्सिबल द्वारा ये प्रोटीनिक एसिड, अब प्रोटीन के साथ में हाइड्रोजन आयन जुड़ गया, हाइड्रोजन आयन ने इसमें ग्रहण कर लिया तो ये एसिड में कन्वर्ट हो गया, और दूसरा प्रोडक्ट जो मुख्य प्रोडक्ट बनना चाहिए था अपने को वो प्राप्त हो गया, सोडियम बाइकार्बोनेट। तो सोडियम बाइकार्बोनेट की दो मेथड्स अपन ने पढ़ लिए हैं। तीसरा लेते हैं बाइक्लोराइड शिफ्ट और हैमबर्गर फिनोमिना। हैमबर्गर फिनोमिना या क्लोराइड शिफ्ट जो है ये बहुत महत्वपूर्ण है। हैमबर्गर का पूरा नाम था हार्टोग जेकब हैमबर्गर। हैमबर्गर ने इस क्रिया विधि को, इस मैकेनिज्म को, इस फिनोमिना को सबसे पहले डिस्कवर किया था, इसलिए हैमबर्गर के सम्मान में इस फिनोमिना का नाम रखा गया है हैमबर्गर्स फिनोमिना। इसको क्लोराइड शिफ्ट भी बोलते हैं। क्लोराइड शिफ्ट क्यों कहते हैं? कि क्लोराइड आयन शिफ्टिंग करते हैं। आरबीसी, ये आरबीसी दिखाई है, ये देखिए आरबीसी मेम्ब्रेन है, इसके अंदर पोटेशियम बाइकार्बोनेट पड़ा है। पोटेशियम बाइकार्बोनेट जो है ये टूटता है पोटेशियम क्लोराइड में और बाइकार्बोनेट आयन में। दूसरी तरफ ब्लड प्लाज्मा के अंदर देखते हैं तो अपने पास सोडियम क्लोराइड है। सोडियम क्लोराइड किस में टूटता है? सोडियम और क्लोराइड आयन में, और ये क्लोराइड आयन बन गए अंदर आरबीसी के अंदर बाइकार्बोनेट आयन बन गए हैं। तो क्लोराइड और बाइकार्बोनेट आयन्स जो हैं ये तो एनायंस हैं, यानी ऋणात्मक संयोजकता वाले हैं। दूसरा अपने पास में बना पोटेशियम, यहाँ एक तरफ सोडियम बना है ब्लड प्लाज्मा में और आरबीसी के अंदर बना है पोटेशियम। तो पोटेशियम एंड सोडियम जो हैं ये धनात्मक संयोजकता वाले आयन हैं, इसलिए इनको कैटायंस कहते हैं। आरबीसी की जो मेम्ब्रेन होती है ये एनायंस के लिए, यहाँ क्लोराइड और बाइकार्बोनेट आयंस के लिए तो परमिएबल होती है, जबकि कैटायंस या धनात्मक जो आयन होते हैं उनके लिए अपारगम्य होती है, इम्परमिएबल होती है। तो माय डियर फ्रेंड्स देखिए, KHCO3 अगर KCl और HCO3 में टूट रहा है तो KCl कैसे बना? ये देखिए, बाहर से ब्लड प्लाज्मा में से क्लोराइड आयन जाकर के जुड़ रहा है, तो पोटेशियम के साथ में Cl जुड़ते ही पोटेशियम क्लोराइड बन जाएगा, नहीं तो पोटेशियम HCO3 K+ HCO3 में टूटता है, लेकिन यहाँ क्लोराइड आयन जुड़ जाएगा, इसलिए यहाँ पोटेशियम क्लोराइड नामक क्षार बन जाएगा। HCO3 जो RBC के अंदर पोटेशियम बाइकार्बोनेट से जब टूटा तो ये HCO3 बना, ये RBC की मेम्ब्रेन से डिफ्यूज हो जाता है बाहर ब्लड प्लाज्मा में। अब सोडियम क्लोराइड, ये देखिए आप, रिवर्सिबल रिएक्शन द्वारा सोडियम क्लोराइड बन रहा है, तो यहाँ सोडियम आयन्स जो धनात्मक संयोजकता वाले हैं वो तो परमिएबल तो है नहीं, इसलिए ये HCO3 बाइकार्बोनेट आयन जो RBC की मेम्ब्रेन को, RBC में से RBC की मेम्ब्रेन को बेचता हुआ ब्लड प्लाज्मा में आता है, वो आकर के NaHCO3 का निर्माण कर लेता है, सोडियम बाइकार्बोनेट का निर्माण कर लेता है। This reaction is only related to permeability of anions. दूसरी सिग्निफिकेंस क्या है? कि
बाइकार्बोनेट्स आयंस जो आरबीसी के अंदर बने वो प्लाज्मा में आते हैं, और ये प्लाज्मा में आने के बाद में सोडियम बाइकार्बोनेट के रूप में, सोडियम बाइकार्बोनेट के रूप में CO2 का ट्रांसपोर्टेशन करते हैं। यानी प्रत्येक उत्तक कोशिका से फेफड़ों के पास ब्लड के द्वारा ये आते हैं, फेफड़ों के पास ब्लड के द्वारा सोडियम बाइकार्बोनेट्स आते हैं, वहां जाकर के ये डिसोसिएट हो जाएंगी वापिस। दो प्रकार की सार्थकताएं हैं इसमें, क्लोराइड शिफ्ट में आरबीसी की मेम्ब्रेन एनायंस के लिए परमिएबल, कैटायंस के लिए इम्परमिएबल, और एडिशनल CO2 का ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए, यानी ज़्यादा से ज़्यादा जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो सोडियम बाइकार्बोनेट्स के रूप में परिवहित करने में ये फिनोमिना काम आता है। तो यहाँ शिफ्टिंग कर रहा है क्लोराइड आयन की आरबीसी के अंदर, कि HCO3 में टूटता है तो पोटेशियम आयन जो है वो धनात्मक आयन न्यूट्रल बन जाएगा, उदासीन बन जाएगा इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोराइड आयन यानी एनायन की उपस्थिति में। ये दो इनकी मुख्य सिग्निफिकेंस हैं। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड दैट CO2 इंटर्स इनटू द आरबीसी। CO2 जो है वो आरबीसी में प्रवेश करती है, ये अपन ने पहले भी पढ़ चुके हैं, और क्या बना लेती है, पोटेशियम बाइकार्बोनेट। ये पोटेशियम बाइकार्बोनेट बताइए, द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ आरबीसी, आरबीसी की जो प्लाज्मा झिल्ली जो होती है, आर परमिएबल टू एनायंस, और एनायंस अपने पास यहाँ पे हैं क्लोराइड आयन और बाइकार्बोनेट आयन, बट इम्परमिएबल टू कैटायंस, और कैटायंस अपने पास में सोडियम क्लोराइड में टूटने से सोडियम आयन बने, और पोटेशियम बाइकार्बोनेट के टूटने से अपने पास आरबीसी के अंदर पोटेशियम आयन बने। सोडियम आयंस प्लाज्मा में, पोटेशियम आयंस आरबीसी के अंदर बनते हैं। अंडर दीज सर्कमस्टेंसेस, इस प्रकार की परिस्थितियों में क्लोराइड डिफ्यूजेज इनटू द आरबीसी। क्लोराइड आयंस जो होते हैं, क्लोराइड एनायन जो हैं वो आरबीसी के अंदर विसरित या डिफ्यूज हो जाते हैं, और फ्रॉम दी प्लाज्मा, किस में से जाएंगे, ये प्लाज्मा में से जाएंगे, और रिएक्ट विद पोटेशियम बाइकार्बोनेट टू रिलीज HCO3 आयंस। और ये देखिए क्लोराइड आयन जो हैं ये किसके साथ में क्रिया कर रहे हैं, KHCO3 के साथ में क्रिया कर रहे हैं, और क्या छोड़ रहे हैं, HCO3 छोड़ रहे हैं, यानी बाइकार्बोनेट आयन छोड़ रहे हैं। NaCl यानी नमक, अपना सादा नमक जो होता है वो सोडियम क्लोराइड ही होता है, प्रेजेंट इन ब्लड प्लाज्मा, प्लाज्मा में पाया जाता है। रिवर्सिबल रिएक्शन द्वारा ये कैटायन सोडियम और एनायन क्लोराइड में टूट जाता है, और KHCO3 पोटेशियम बाइकार्बोनेट के साथ में क्लोराइड आयन क्रिया करके पोटेशियम क्लोराइड का और बाइकार्बोनेट आयन का निर्माण कर लेंगे। द बाइकार्बोनेट्स आयन नाउ, अब बाइकार्बोनेट्स आयन्स जो हैं अब डिफ्यूज आउट ऑफ द इरिथ्रोसाइट्स इनटू द ब्लड प्लाज्मा। अब ये जो HCO3, ये देखिए आप कर्सर के साथ साथ में रहिए, कर्सर पेन जो है इसके साथ रहिए, बाइकार्बोनेट्स आयन जो हैं ये आरबीसी या इरिथ्रोसाइट से डिफ्यूज हो जाते हैं, कहाँ पे, ब्लड प्लाज्मा में, इरिथ्रोसाइट इनटू ब्लड प्लाज्मा, और कंबाइन विद सोडियम, और सोडियम के साथ में जुड़ करके, सोडियम कैटायन के साथ में जुड़ करके NaCO3 का निर्माण कर लेते हैं। जैसे सोडियम प्लस HCO3 क्या बन जाएगा, HCO3 बन जाएगा। तो सोडियम कैटायन, बाइकार्बोनेट एनायन, और उत्क्रमणीय अभिक्रिया द्वारा NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट का निर्माण कर लेगा। This phenomena is known as क्लोराइड शिफ्ट।
इस फिनोमेना को क्लोराइड शिफ्ट भी कहते हैं या क्लोराइड शिफ्ट के नाम से जाना जाता है इस फिनोमेना को, विच परमिट्स द कैरिज ऑफ एडिशनल CO2 एज सोडियम बाइकार्बोनेट बाय प्लाज्मा। ये क्या करता है, ये एडिशनल जो अत्यधिक मात्रा में या जो कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा था उसमें एडिशनल CO2 का ट्रांसपोर्टेशन करने का एक ब्लड प्लाज्मा के द्वारा सोडियम बाइकार्बोनेट के रूप में शरीर से बाहर निकालने के लिए काम में आने वाला फिनोमेना है, इसको क्लोराइड शिफ्ट भी कहते हैं। अब अपने पास वाटर प्लस CO2 के मिलने से अपने पास कार्बनिक एसिड प्राप्त हो गया और कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बन गया और पोटेशियम बाइकार्बोनेट बन गया और सोडियम बाइकार्बोनेट बन गया। अपने पास प्रोडक्ट चार प्रकार के बने, H2CO3, HBNHCOOH, KHCO3, NaHCO3। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये अब लंग सरफेस पे इनका ये रिलीज कैसे होगा CO2? फेफड़ों के पास आने के बाद में CO2 का CO2 निर्मुक्त कैसे होगी, रिलीज कैसे होगी, यानी फेफड़ों के अंदर कैसे आएगी? तो रिलीज ऑफ CO2 एट द लंग सरफेस, यानी रिलीज ऑफ CO2 एट लंग सरफेस, H2CO3, सोडियम एंड पोटेशियम बाइकार्बोनेट एंड कार्बो हीमोग्लोबिन या कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन भी बोलते हैं, आर कैरिड टू दी लंग्स। किसके पास में आते हैं, ब्लड के द्वारा फेफड़ों के पास आते हैं, वेयर दे ब्रेक डाउन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ वेरियस फैक्टर्स। यहाँ विभिन्न प्रकार के कारकों की उपस्थिति के कारण से ये यहाँ आकर के टूट जाते हैं और क्या छोड़ देते हैं, लिबरेट फ्री कार्बन डाइऑक्साइड विच डिफ्यूजेज इनटू द लंग्स। और यहाँ पे आकर के फेफड़ों के पास आकर के ये कार्बन डाइऑक्साइड को स्वतंत्र कर देते हैं या छोड़ देते हैं और जो फेफड़ों के अंदर आसानी से विसरित हो जाती है। ऑक्सीजन की तुलना में कार्बन डाइऑक्साइड का डिफ्यूजन द्रुत गति से होता है। देखिए, पहला प्रोडक्ट अपने पास प्राप्त हुआ था फिजिकल सॉल्यूशन के रूप में H2CO3 10%, कार्बामिनो कंपाउंड के रूप में अपने पास कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बना या कार्बो हीमोग्लोबिन बना या कार्ब एमिनो हीमोग्लोबिन बना, ये थर्ड बाइकार्बोनेट्स के रूप में यहाँ अपने पास एक तो RBC के अंदर KHCO3 बना और ब्लड प्लाज्मा के अंदर अपने पास NHCO3 बना। तो H2CO3 तो कार्बोनिक एनहाइड्रेज द्वारा H2 और CO2 में टूट जाएगी। HBNHCOOH कार्बा हीमोग्लोबिन भी बोलते हैं, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन भी बोलते हैं, कार्बामिनो हीमोग्लोबिन भी बोलते हैं, ये टूट जाती है HBNH2 और वापस CO2, यानी शुरुआत में जो रिएक्शन में काम आया था ये एमिनो ग्रुप जो है ये हीमोग्लोबिन के साथ में फ्री जुड़ा हुआ है, ब्लड प्लाज्मा में ये क्रिया संपन्न हो रही है। लेकिन इनका अब रिडक्शन ओविंग टू हायर कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा होने पे ये इसमें टूट जाती है। आप पोटेशियम बाइकार्बोनेट के टू मॉलिक्यूल्स ले रहे हैं क्योंकि पोटेशियम बाइकार्बोनेट से पोटेशियम कार्बोनेट बनेगा, तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन की एसिडिटी अगर बढ़ जाएगी, यानी CO2 की मात्रा ज्यादा बढ़ जाएगी, तो ये K2CO3 और H2O और CO2 में टूट जाएगी, यानी समीकरण को संतुलित करने के लिए यहाँ पे पोटेशियम के साथ में दो मॉलिक्यूल लिए।
तो K2CO3, H2 और CO2 ये लिबरेट हो गई। इसी प्रकार से ब्लड प्लाज्मा में सोडियम बाइकार्बोनेट है, इनके भी दो मॉलिक्यूल लेंगे समीकरण को संतुलित करने के लिए। वही ऑक्सीहीमोग्लोबिन जो है उसकी एसिडिटी बढ़ने के कारण से, यानी CO2 की मात्रा ज़्यादा होने से सोडियम बाइकार्बोनेट में H2O में और CO2 में टूट जाती है। तो ये रिलीज होती है CO2 लंग सरफेस पे आकर के, अपने पास जितने भी प्रोडक्ट बने हैं वो कार्बोनिक एनहाइड्रेज द्वारा H2CO3 और रिडक्शन हो रहा है हायर कंसेंट्रेशन ऑक्सीजन, और यहाँ दोनों में KHCO3 और NHCO3 में एसिडिटी बढ़ने के कारण से ऑक्सीहीमोग्लोबिन में एसिडिटी इंक्रीज होने के कारण से या एसिडिक नेचर में आने के कारण से इनका ब्रेकडाउन होता है। अब नेक्स्ट, ये तो हुआ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब चलते हैं, बहुत बार रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स के ऊपर शॉर्ट नोट होता है, कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ये रेस्पिरेटरी एग्जाम में रेस्पिरेटरी या ब्लड पिगमेंट्स हैं बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि बायोलॉजी के विद्यार्थियों को छोड़कर के बाकी के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको इनके बारे में ज्ञान थोड़ा बायोलॉजी वाले स्टूडेंट्स की तुलना में अल्प होता है, और जब कम्पिटिटिव एग्जाम का फर्स्ट पेपर होता है तो वहाँ पे ये पूछे जाते हैं। बायोलॉजी या जूलॉजी या लाइफ साइंसेज वाले के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही। इन एनिमल्स ब्लड यूजुअली कंटेंस ए रेस्पिरेटरी पिगमेंट, पॉइंटी रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स कह रहा है, या इनको ब्लड पिगमेंट्स भी बोलते हैं, विद ए स्पेशल एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन। जंतुओं के अंदर जो ब्लड पाया जाता है या ब्लड के अंदर जो रेस्पिरेटरी पिगमेंट या ब्लड पिगमेंट पाए जाते हैं, पिगमेंट्स पाए जाते हैं, वो ऑक्सीजन के साथ में एक विशेष प्रकार की बंधुता रखते हैं, एफिनिटी रखते हैं। दीज पिगमेंट्स इंक्रीज द ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द ब्लड मैनी टाइम्स। ये पिगमेंट्स जो हैं ये ऑक्सीजन की ले जाने की कैपेसिटी जो है, परिवहित करने की, ट्रांसपोर्ट करने की कैपेसिटी को ब्लड के अंदर कई गुना बढ़ा देते हैं। मैनी टाइप्स ऑफ द रेस्पिरेटरी या ब्लड पिगमेंट्स फाउंड इन एनिमल्स। कई प्रकार के रेस्पिरेटरी या ब्लड पिगमेंट्स जंतुओं में पाए जाते हैं, बट देर आर फ्यू इम्पोर्टेंट रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स। दे प्ले ए मेजर रोल इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड CO2। लेकिन कुछ ही ऐसे पिगमेंट्स रेस्पिरेटरी या ब्लड पिगमेंट्स होते हैं जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के ट्रांसपोर्टेशन में बहुत ज़्यादा भाग लेते हैं। दीज आर अंडर या दीज आर गिवन बिलो, दीज आर एज फॉलोज, जो कि निम्नलिखित हैं। पहला हीमोग्लोबिन, दूसरा हीम इरिथ्रिन, तीसरा हीमोसाइनिन, चौथा क्लोरोक्रुओरिन। मैं एक तरफ रेस्पिरेटरी पिगमेंट का नाम लिख रहा हूँ, दूसरी तरफ इसके अंदर मेटल कौन सा मेटल जुड़ा हुआ है, और अशुद्ध रक्त इम्प्योर ब्लड का कलर कैसा होता है, और प्योर या ऑक्सीजनेटेड फॉर्म में आने के बाद में ब्लड का रूप कैसा, कलर कैसा हो जाता है, और कहाँ पाया जाता है ब्लड में, RBC में पाया जाता है या प्लाज्मा में पाया जाता है, और उदाहरण ले रहा हूँ। तो मैंने ये 6 पॉइंट यानी 5 पॉइंट लिए हैं प्रत्येक रेस्पिरेटरी पिगमेंट में। हीमोग्लोबिन के अंदर मेटल फेरस होगा, हीम इरिथ्रिन में भी फेरस होगा, हीमोसाइनिन में कॉपर होगा, क्लोरोक्रुओरिन के अंदर फेरस होगा। तो तीन में तो देखिए फेरस है, हीमोसाइनिन में कॉपर है, इसलिए ये नीला दिखाई देता है कॉपर के कारण से।
अब कलर ऑफ इम्प्योर ब्लड हीमोग्लोबिन के अंदर पर्पल होता है, बैंगनी। लेकिन ऑक्सीजन जब जुड़ जाए, ऑक्सीजनेटेड फॉर्म या शुद्ध रक्त जो आता है वो ब्राइट रेड होता है, डार्क रेड नहीं होकर के ब्राइट रेड होता है, ईंट जैसा लाल। हीमोग्लोबिन की अकरेंस इन ब्लड यानी ब्लड में कहाँ पाया जाता है, उपस्थिति क्या है ब्लड में, कॉर्प सेल्स में है, आरबीसी के अंदर है या ब्लड प्लाज्मा में है। तो यह आरबीसी और ब्लड प्लाज्मा दोनों में पाया जाता है। ये पहले भी बताया था मैंने, द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज्ड व्हेन दिस रेस्पिरेटरी पिगमेंट यानी हीमोग्लोबिन इज पैक्ड इनटू द आरबीसी। आरबीसी के अंदर पैक होता है तो ट्रांसपोर्टेशन की दर बढ़ जाती है। बट मे बी फाउंड इन ब्लड प्लाज्मा, लेकिन ये ब्लड प्लाज्मा में भी पाया जा सकता है। एग्जाम्पल्स, ऑल वर्टिब्रेट्स, एनिलीड्स, जैसे आपने फेरेटिमा पोस्तुमा पढ़ा होगा, किंचुआ और कुछ मॉलस्क्स, मॉलस्का के अंदर पाए जाने वाले जंतुओं के अंदर हीमोग्लोबिन पाया जाता है। दूसरा हीम इर्थ्रिन ले रहे हैं, मेटल होगा फेरस, इम्प्योर ब्लड का कलर होगा कलरलेस, कोई रंग नहीं होगा, ऑक्सीजनेटेड फॉर्म में आते ही रेड वायलेट बन जाता है। और अकरेंस इसकी क्या है, सदैव आरबीसी के अंदर ही पाया जाता है। उदाहरण साइपनकुलिड्स एंड ब्रेकियोपोड्स, ये माइनर फाइला के एनिमल्स हैं, साइपनकुलस एनिमल आता है, इकायूरस आता है, बुगुला आता है। साइपनकुलिड्स एंड ब्रेकियोपोड्स माइनर फाइला इसके अंदर के जो जंतु हैं उनके अंदर हीम इर्थ्रिन होगा। हीमोसाइनिन में मेटल कॉपर होगा, यही पूछा जाता है मुख्यतया कि ये इनमें कौन सा मेटल होता है। इम्प्योर ब्लड यहां भी कलरलेस होगा, कोई रंग नहीं होगा, ऑक्सीजन अगर जुड़ जाएगी ऑक्सीजनेटेड फॉर्म में ये ब्लू हो जाएगा, नीला हो जाएगा, हीमोसाइनिन। जैसे क्रस्टेशियंस और सेफलोपॉड्स देखे हैं उनके अंदर ब्लू कलर का इसीलिए दिखाई देता है कि इसके साथ में कॉपर पाया जाता है। अकरेंस इन ब्लड यानी ब्लड में कहाँ पाया जाता है, ये सदैव प्लाज्मा में पाया जाता है, उदाहरण सेफलोपॉड्स एंड क्रस्टेशियन एटसेट्रा। क्लोरोक्रुओरिन, क्रुओरिन है ये, क्रुओनिन नहीं है, इसमें मेटल फेरस होगा और कलर इम्प्योर ब्लड का तो सदैव ग्रीन होता है और ऑक्सीजनेटेड फॉर्म में भी सदैव ग्रीन होता है, सदैव ग्रीन ही बना रहता है, हरा बना रहता है। ब्लड में इनकी उपस्थिति सदैव ब्लड प्लाज्मा में होगी, उदाहरण होंगे एनिलीड्स, फॉर एग्जांपल सबेला, सबेला एनिमल। सबेला को बाहर से देखते हैं तो भी अपने को म्यूजियम स्पेसिमेन हरा दिखाई देता है, ग्रीन दिखाई देता है। इसके अलावा कुछ जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड में ट्रांसपोर्टेशन के अंदर इतनी महत्ता नहीं रखते, लेकिन फिर भी ब्लड पिगमेंट्स या रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स पाए जाते हैं, वो ये है पिनाग्लोबिन, मैंगनीज कंटेनिंग ब्राउन पिगमेंट है ये, इसके अंदर मैंगनीज पाया जाता है पिनाग्लोबिन में। फाउंड इन ब्लड प्लाज्मा, किस में पाया जाता है, ब्लड प्लाज्मा में पाया जाता है, उदाहरण लेमेलिब्रेंक या ऑयस्टर्स या मोलस्का संख्य जंतुओं में, कुछ जंतुओं में, सभी में नहीं, मसेल्स हैं जैसे ऑयस्टर्स हैं इत्यादि। हीमोवेनेडिन आपने हर्डमानिया या सीस कट, समुद्री फवारा या कोई और एसिडियन पड़ा है तो उसके अंदर ये हीमोवेनेडिन
वेनेडियम जो है वो वेनेडोसाइट्स कोशिकाओं के अंदर पाया जाता है। ग्रीन कलर वेनेडियम कंटेनिंग पिगमेंट, ग्रीन कलर का वेनेडियम को धारण कर वेनेडियम तत्व को धारण करने वाला पिगमेंट है, फाउंड इन द वेनेडोसाइट्स ऑफ सम सी स्कर्ट्स फॉर एग्जांपल एसिडियन ब्लड, एसिडियंस एसिडिएशिया, थेलिएशिया, लार्वेशिया, ये यूरोकोडेट्स के अंदर अपन ने पढ़ा था। तो ये एसिडियंस के ब्लड में पाए जाने वाला हीमोवेनेडिन पिगमेंट है। इकाइनोक्रोम सी अर्चिन के बॉडी फ्लूड में, सी अर्चिन के बॉडी फ्लूड के अंदर पाए जाने वाला ब्लड पिगमेंट या रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है। दीज आर लेस एफिशिएंट इन ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड कैरिंग कैपेसिटी, लेकिन ये ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को उत्कों से फेफड़ों तक या गिल्स तक जो है ले जाने की धारिता या कैपेसिटी या एफिशिएंसी जो होती है वो पहले जो अपन ने चार रेस्पिरेटरी पिगमेंट या ब्लड पिगमेंट पढ़े हैं उनकी तुलना में कम होती है। यहाँ दो के साथ में तुलना बता रहा है, व्हेन कंपेयर्ड विथ हीमोग्लोबिन एंड क्लोरोक्रुओरिन, जब अपन तुलना करते हैं हीमोग्लोबिन और क्लोरोक्रुओरिन की तो उसकी तुलना में ये इनका ये जो असेसरी या फ्यू अदर रेस्पिरेटरी या ब्लड पिगमेंट्स जो अन्य जंतुओं में पाए जाते हैं इनकी एफिशिएंसी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड की, इनकी तुलना में हीमोग्लोबिन और क्लोरोक्रुओरिन या बाकी के हीमोसाइनिन और हीमेरिथ्रिन की तुलना में कम होती है। प्यारे मित्रों, फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेशन में किस किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, एक तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का, अल्टरनेटिव ईयर्स में पास कोर्स की बात कर रहा हूं मैं, चाहे यूजी हो चाहे पीजी हो, आप पीछे के 10-20 साल के पेपर उठा के देख लो, अल्टरनेटिव ईयर्स के अंदर ये क्वेश्चन दोहराया जाता है। दो प्रकार के प्रश्न बनते हैं, पल्मोनरी एक्सचेंज एट टिश्यू लेवल, जो पहले वाले वीडियो में मैंने शॉर्ट वीडियो जो बनाया था वो शॉर्ट नोट के रूप में पूछा जाता है, और ये ऐसे टाइप पूछा जाता है। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन का वीडियो अलग बनाया था, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ CO2 का वीडियो आपके साथ में आज मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। दोनों वीडियोज को आप एक साथ एक के बाद एक क्रमशः अगर सुन लोगे तो आपके जीवन भर मेरी समझ में आप इसको कभी भी भूल नहीं सकते। मुझे ये पूर्ण विश्वास है कि इतना आसान तरीके से मैंने आपके सामने ये वीडियो लेक्चर प्रस्तुत कर रहा हूँ, मेरी समझ में आपके लिए आपकी गुणात्मक दृष्टिकोण या आपकी क्वालिटी में इम्प्रूव करने में मददगार होंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको ढेर सारी शुभकामनाएं प्रेषित कर रहा हूँ कि आप नियमित रूप से मेरे वीडियोस को वॉच कर रहे हैं, और थैंक यू फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो।